हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फूडी मुडी। मैं हूँ परी और आज की रेसिपी है केक रेसिपी। ये केक बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाऊंगी और बहुत कम समय में बनाऊंगी। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, तो जब भी आपका केक खाने का मन करे तो आप ये झटपट केक बनाकर बहुत ही आराम से खा सकते हैं और टेस्ट ये आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आइए केक बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो केक बनाने के लिए हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और ये हमने 1 कप मैदा लिया है और ये आधी कप हमने सूजी लिया है। हमने बारीक सूजी लिया है, अगर आप चाहें तो कोई भी सूजी ले सकते हैं। अगर आप मोटी सूजी लेते हैं तो उसे मिक्सी में एक बार चला लें। यह हमने 1 गिलास दूध लिया है। यह हमने किशमिश लिए हैं, आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। ये 1/2 कप हमने शुगर लिया है और ये हमने तेल लिया है और ये वेनिला एसेंस। तो केक बनाने के लिए हमें सबसे पहले दूध की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने 1/2 गिलास यहाँ पे दूध ले लिया है। अब चीनी को दूध में डालेंगे और अच्छे से इसे मिला लेंगे। तो इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे। तो हमने यहाँ पे 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल ले लिया है और इसे भी अच्छे से हम मिला लेंगे। तो इन सभी को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें हम सूजी डालेंगे, सूजी को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इस कप से 1/2 कप सूजी लिया है। सूजी को हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए सूजी अच्छे से मिल गया है। अब इसमें हम मैदा डालेंगे और मैदा को भी अच्छे से हम मिला लेंगे। तो इस कप से हमने 1 कप मैदा लिया है, जिस कप से हमने 1/2 कप सूजी डाला है। तो इस तरीके से हम अच्छे से इसे मिला लेंगे। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। अब इसमें थोड़ा सा हम दूध डालेंगे। तो हमने 1 गिलास दूध लिया था, अब इसमें हम पूरा दूध इसमें ऐड कर लेंगे। तो हमने पहले 1/2 गिलास दूध ऐड किया था, पूरा हमने इसमें दूध को मिला लिया है। अब इसमें टेस्ट के लिए वेनिला एसेंस डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते वरना कोई ज़रूरत नहीं। तो देखिए हमने यहाँ पर 1 चम्मच वेनिला एसेंस डाला है, अब इसे भी हम अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें हम किशमिश डालेंगे। तो यहाँ पे हमने इसमें किशमिश डाला है, आप चाहे तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। आप इसमें बादाम डाल सकते हैं या काजू डाल सकते हैं, जो भी आपके पास है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप टूटी फूटी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। केक को ढक देंगे और 10 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे। तो जब तक केक रेस्ट हो रहा है, हम यहाँ पर कंटेनर में हल्का सा घी से ग्रीस कर लेते हैं। तो इस तरीके से एक ब्रश ले लें और अच्छे से कंटेनर को, जिसमें आपको केक बेक करना है, उसे अच्छे से घी से ग्रीस कर लें। आप चाहें तो इसमें बटर पेपर भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप सूखा हुआ जो आटा है जिससे हम रोटी बनाते हैं, उसे हम इस तरीके से कंटेनर को डस्ट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें चारों तरफ अच्छे से आटे को लगा लेना है। तो ये बिल्कुल कंटेनर रेडी हो गया है। यहाँ पे 10 मिनट हो गया है और केक का बैटर भी रेडी हो गया है। चलिए इसे कंटेनर में हम डालेंगे। इससे पहले हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब इसे हम कंटेनर में चलिए डाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कंटेनर में अच्छे से बैटर को डाल लिया है, अब चलिए इसे बेक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए पहले से रखा हुआ था 10 मिनट पहले। अब इसमें हमने केक का बैटर को डाल लेना है
और ढक्कन को अच्छे से लगा देना है। और ऊपर से हमने यहाँ पे चॉकलेट बॉल्स डाले हैं छोटे वाले, आप चाहे तो काजू कट करके ऊपर से डाल सकते हैं, टूटी फूटी भी ऐड कर सकते हैं। अब ढक्कन के ऊपर के जो होल हैं उन्हें हम अच्छे से बंद कर देंगे। तो थोड़ा सा आप आटा गीला कर लें और ऊपर से इसे पैक कर दें। तो देखिए ये अच्छे से हमने इसके होल को बंद कर दिया है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी हवा अंदर नहीं जाना चाहिए, जिससे केक बहुत ही अच्छे से बेक हो जाता है। तो देखिए केक यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बेक होना स्टार्ट हो गया है, और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। तो गैस का फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं करना है, उससे 30 मिनट लग जाता है केक बेक होने में। तो देखिए यहाँ पे केक बेक हो गया है, मैं आपको एक स्टिक से चेक करके दिखाती हूँ। तो देखिए बिल्कुल स्टिक में केक बिल्कुल भी नहीं लगा, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बेक हो गया है। तो चलिए अब केक को हम थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। तो केक जब तक ठंडा हो रहा है, तो चलिए हम दूध से और चीनी से एक शिरप बनाएंगे, जो कि केक के ऊपर हमें लगाना है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ले लिया है, और इसमें हमें 2 चम्मच के बराबर चीनी डाल लेना है। चीनी को अच्छे से हमें मेल्ट होने देना है। जब चीनी थोड़ा सा ब्राउनी कलर में आ जाए, तो इसमें हमें दूध डाल लेना है। तो देखिए अभी हमने थोड़ा सा इसमें दूध ऐड किया है, थोड़ा सा हम इसमें और दूध ऐड करेंगे। और देखिए चीनी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, चॉकलेटी कलर में आ गया है। तो ये इस तरीके से हमें दूध चीनी का चाशनी बना लेना है, इसे केक के ऊपर लगाने के लिए। तो अब हम इसके ऊपर लगा लेंगे। तो हमें चाशनी बिल्कुल गाढ़ी रखनी है, इस तरीके का जैसा बना है हमें इस तरीके का चाशनी बना लेना है, और इसे ऊपर से हमें लगा लेना है। तो देखा आपने, बहुत ही आसान है ये केक बनाना, और बहुत ही कम चीज़ों में ये यम्मी सा केक बन के रेडी हो गया है। और आपको इसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, आपके घर के सामान से ही ये अच्छा मज़ेदार केक बन के रेडी हो गया है। बहुत ही खाने में यम्मी लगता है, बहुत ही टेस्टी ये केक बन के रेडी होता है। तो ज़रूर इस केक को आप भी बनाएं, और मेरे साथ अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए केक को हम कट करके एक बार आपको दिखा देते हैं कि केक कितना सॉफ्ट बना है। आप ऊपर से ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश भी कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो आप उससे गार्निश कर ले। तो देखिए केक बिल्कुल बन के रेडी हो गया, तो इसे आप कट कर लेते हैं। तो देखिए केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, ये बहुत ही आराम से कट करके रेडी हो गया। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ एक बार इस तरीके का केक आप भी बनाएं, खुद भी खाएं, फैमिली को खिलाएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।